अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदराबाद टुडे न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सैयदा साजिदाउद्दीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। किशोरी बेगम के पास हर साल की तरह ये साल भी हर गरीबों के लिए, गरीब में उसमें हर चीज़ जिसकी कोई गरीब है उनको ही ये गिफ्ट दे रहे हैं अपन। उसमें हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट के घर वाले भी क्यू में आगे लिए हैं, उसमें डिवीज़न प्रेसिडेंट जैसा कि मैं हूँ, मेरे घर वाले भी यहाँ पे कोई बड़े नहीं होते, यहाँ पे जैसी आवाम दे रहे हैं, मेरी बीवी भी यहाँ पे बैठ कर मैं भी यहाँ पे गिफ्ट दे लिए। उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट है सुलेमान नगर डिवीज़न के सैयद आमिर साहब, उनके घर वाले भी लाइन पे रह के ले लिए। भाई साहब भी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है हमारे अब्दुल रहमान साहब, उन्हें भी उनकी बीवी भी लेके आके यहाँ पे लाइन पे रह के, यहाँ पे छोटा मोटा बड़ा लीडर कुछ भी नहीं है, सब आपस में एक ही है। यहाँ पे मेरे पास तो मेरे डिवीज़न में तो यहाँ लीडर के घर में अपन यह 10 थैली जमा करें वो कुछ भी नहीं है। मेरे घर में भी एक ही चले गया है, यूथ प्रेसिडेंट के घर में भी एक ही चले गया है। हम भी कोई बड़े नहीं हैं, हम लेने के हक है क्योंकि मैं भी एक गरीब हूँ। वो हिसाब से मेरे घरवाली को यहाँ पे लगा के मैं मेरे घरवाली भी मैं लाइन पे लगा के गिफ्ट दिया हूँ। वैसा भी मेरे डिवीज़न में जितने भी लोग मेरे लीडर्स हैं उनको भी उनके फैमिली के साथ आके ये गिफ्ट दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम शुक्रगुजार हैं हमारे केसीआर साहब का और शुक्रगुजार हैं हमारे एमएलए टी प्रकाश भट्ट साहब का, क्योंकि उनके खोटे में हमारे ये मस्जिदा दे दिए हैं। इंशाल्लाह ताला 2 या 3 भी मस्जिद मिल सकते थे हमारे, ये हमारी मस्जिद है खूबा आइन टाइम में, और वहाँ अपने को नहीं दिए साहब। तो हमारे एमएलए साहब बोले थे 2 नहीं 3 ले लो नहीं भाई बोल के। इंशाल्लाह ताला आगे साल में 2 से 3 मस्जिदा लेकर हमारे गरीबा सुलेमान नगर डिवीज़न ऐसा डिवीज़न है कि लफ्जे ऐसे घर भी है जिसके घर में कपड़े के लिए तरसते लोग बोल भी नहीं सकते, ऐसे घर भी है वो मेरे मालूम है। मैं वही बोला हमारे एमएलए साहब को, साहब हमारा डिवीज़न ऐसा है कि मुंह खोल के लोग पूछ भी नहीं सकते कि भाई मैं ईद बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। वो हिसाब से मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे डिवीज़न में पूरे लोग बैठकर आपस में एक सोचे हैं हम, जो गरीब है उन तक जाना, जो हकदार है उनको मिलना। जैसा कि लीडर है नहीं हूँ भाई, डिवीज़न प्रेसिडेंट है, यूथ प्रेसिडेंट है, ले लो तुम 10, ऋषाब भाई तुम 1-10 ले लो, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट तुम 1-10 ले लो, ऐसा मेरे पास चलने वाला नहीं होता। मैं भी एक ही लिया हूँ, मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब भी एक ही ले हैं, हमारे यूथ प्रेसिडेंट भी एक ही लिए हैं, यहाँ सब भी बराबर है। हमारा अभी भी मोरू मैं जब से केसीआर साहब आए हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखो और भी 1-10 साल जियो, हमारी आवाम आगे बढ़े। और भी एक किस्मत वाले हैं उनके हमारे टी प्रकाश गौर साहब, ऐसे वैसे एमएलए नहीं होते, उनकी जितनी भी तारीफ करें तो हम हमारे डिवीज़न से कम हैं। हम कभी भी जाते हैं कभी रोज़ हमारे क्या नहीं बोले, नहीं भाई आप क्यों नहीं बोले, उनको भी मालूम है नहीं भाई का डिवीज़न बहुत गरीब है। मैं कभी भी मेरे डिवीज़न के लिए मेरी जान भी अगर कुर्बान रह दूँ, मैं मेरे डिवीज़न के लोगों के वास्ते जान हाजिर है मेरी, मेरे डिवीज़न के लोगों के वास्ते मैं मेहनत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, मेरा नाम रंगनायकलू, हम माजी सैनिक पूर्व सैनिक हैं। बोलो, हम पूर्व सैनिक हैं, समाज की सेवा करने के लिए देश की रक्षा करते थे, अभी उसको यहाँ पर कुछ सेवा करने के लिए मैं आया। अपना हिंदुस्तान में सबसे सेवा, स्वच्छता, सभ्यता, संस्कार देखने के लिए, नमस्कार करने के लिए, इसलिए मैं इधर कहीं भी जाता हूँ। हम ये सुलेमान नगर में आया तो इन लोगों का जनता बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, जो भी नीट एंड क्लीन रहता है, सभी एक ही बात चलते हैं, कोई भी इसका दूसरा मीनिंग नहीं, सब अच्छे रहते हैं। और स्पेशली
ये नीम भाई प्रेसिडेंट, ये सोलन के प्रेसिडेंट है, तो सबको एकता के लिए जैसा कुल है अलग अलग रहते हैं, लेकिन सबको एक कुल के धागा से पूरा एक जो है माला बनाया है, वो माला सभी किसी का नहीं, तो भगवान के पास माला कर सकते हैं, अच्छा आदमी की माला डाल सकते हैं। ये सुलेमान नगर एक माला तरफ सभी कुल को माला जैसा एकता बन गया, हम उसको धन्यवाद करता हूँ। ऐसी एक्टिविटीज हमेशा प्रजा को सुख करने के लिए, दुख दूर करने के लिए, ये बहुत हंस हंस के देखो फोटो में भी हमेशा हंसते रहते हैं, सभी जनता भी ऐसे हंसते रहने के लिए हम माजी सैनिक को बहुत सारी तालियां बजाते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर साल हम लोगों को ये गिफ्ट मिलता, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।